हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शो मेंस डे। दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे घर में एसी खराब पड़ा हुआ है। खराब मतलब क्या, आपके एसी में उतना ठंडा हवा नहीं दे रहा है। ये कोई ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं, एसी को क्लीन करने से ही ठीक हो जाएगा। लेकिन परेशानी ये है कि अभी मैकेनिक नहीं मिल रहा है किसी जगह पे, और मिल भी रहा है तो हम उसको घर में घुसाने से डर रहे हैं। तो इसमें वैसा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, आप आसानी से अपने घर में खुद ही एसी को साफ कर सकते हो। और अपना काम करने में कोई शर्म की बात तो है नहीं, थोड़ा सा सीख लीजिए तो आसानी से अपने घर में ही आप अपना एसी क्लीन कर सकते हो, जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ। तो वीडियो को आखिर तक देखिए तो आपको पता चल जाएगा कैसे आप इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट दोनों को ही आप आसानी से साफ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपके पास किसी भी ब्रांड का एसी हो, स्प्लिट एसी, उसमें आपका सामने जो देखिए ये पोर्शन है, ये कवर है, इसमें आपका क्लिप रहता है। जैसे इस एसी में आपका यहाँ एक क्लिप है और यहाँ एक, हमें इस एसी में स्क्रू ड्राइवर को अंदर घुसा के इसको थोड़ा सा स्लाइड करना है। तो हम ऐसे इसको स्लाइड करेंगे तो ये यहाँ से खुल जाएगा। देखिए, वन साइड इसका खुल गया और इधर से हम दूसरे साइड से भी थोड़ा इसको लिफ्ट करेंगे तो ये वाला भी आपका खुल जाएगा। इसका बीच में और एक लॉक है तो देखिए एसी खुल गया और इसमें से बहुत सारा धूल भी गिर रहा है। इसका मतलब है इसका फिल्टर पूरा भर गया है, तो अभी इसको साफ करना जरूरी है। तो अगर हम इसको अभी साफ नहीं करते हैं तो इसमें कूलिंग नहीं देगा और इसमें गर्म हवा मारता रहेगा। कुछ देर ये कूलिंग करेगा, उसके बाद ये गर्म हवा मारता रहेगा। तो देखते हैं कैसे इसको हम आसानी से अपने घर में क्लीन कर सकते हैं। तो इसका जो ढक्कन है इसको हम लोग लिफ्ट कर देते हैं। अब इसको लिफ्ट करने के बाद आपको कुछ ऐसा स्क्रू ड्राइवर हो या कुछ भी हो, उससे इसको यहां पे स्टे करवाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, हम अगर चाहे तो यहाँ किसी सपोर्ट को देके इसको ऐसे यहाँ पे इसको कवर को ऐसे रख सकते हैं, लेकिन मेरा जो कवर है इसका जो साइड वाला हुक है ये टूटा हुआ है, तो मैं इसको ऐसे ही पूरा कवर को खोल लूँगा। आप अगर ना चाहे तो इसको ना खोल के भी कर सकते हो। तो ये मेरा एसी पूरा ओपन हो गया। अब देखिए, इसमें दो फिल्टर है, ये एक फिल्टर है और ये एक फिल्टर है। ये मेन फिल्टर है, इसको साफ करने से आपका सारा काम हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा काम रह जाता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इस फिल्टर में कितना धूल जमा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको हमें साफ करना है तो कैसे साफ करेंगे दिखा देते हैं। और इधर से भी एक फिल्टर खोलना है। एक चीज़ याद रखिएगा, ये एक फिल्टर आपका बड़ा होता है और एक फिल्टर आपका छोटा होता है। तो जहाँ से आप जो फिल्टर को खोल रहे हो उसको वहाँ पे आपको रिप्लेस करना है, इधर का उधर करने से वो फिटिंग नहीं होगा। तो दूसरा वाला फिल्टर को भी हम स्लाइड करके ऐसे निकाल लेते हैं। ये सारा फिल्टर रोल करके स्लाइड किया रहता है, एकदम ऊपर नहीं जाता, ये ऐसे रोल करके रहता है। अब हमने फिल्टर को खोल लिया। अब हमें फ्रेंड्स क्या करना है, एक ऐसे कटोरी लेना है, उसमें थोड़ा सा पानी लीजिएगा और नॉर्मल जो ब्रश है इस ब्रश से इसका जो फिन है इसको हमें साफ कर देना है। इसमें देखिएगा बहुत सारा धूल लगा हुआ है, तो ऐसे इसको पूरा हमें साफ कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि ये जो कवर है ये यहाँ स्क्रू है, यहाँ स्क्रू है और एक यहाँ पे स्क्रू है बॉडी में, और इसके अंदर दो स्क्रू है, इसको ओपन करके आपको इसको साफ करना पड़ता है। जो टेक्नीशियन लोग हैं वो इसको खोल के ही साफ करते हैं, लेकिन आप अगर इसको खोलेंगे तो इसका हाउसिंग बाद में फिटिंग नहीं होना चाहेगा, फिर आपको टेक्नीशियन बुलाना पड़ेगा। तो उसका कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि फिल्टर अगर अच्छा है तो भीतर ज़्यादा धूल मिट्टी जाता नहीं है। तो आप फिल्टर को साफ कीजिए और इसको थोड़ा बाहर से ब्रश से आपको साफ कर देना है। देखिए जो मिट्टी वगैरह है वो आपके ब्रश में ही चला आएगा।
और एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्त, ये जो फिन है ये बहुत ही डेलिकेट है, तो आप अगर ज़्यादा प्रेशर कीजिएगा तो ये टूटने का चांसेस रहता है। अगर ये टूट जाता है तो बाद में वहाँ से आपका एयर आना बंद हो जाता है, तो वहाँ पे बर्फ़ जमना चालू हो जाता है। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, ज़्यादा प्रेशर मत क्रिएट कीजिए। नॉर्मली जो धूल मिट्टी है उसको साफ़ कर लीजिए। अभी तो लॉकडाउन की वजह से आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इसको साफ़ करने के लिए एक स्प्रे मिलता है, वो अमेजन में आपको आसानी से मिल जाएगा क्लीनिंग स्प्रे। तो उसको मारने के बाद सिर्फ ब्रश से क्लीन कर देने से ही पूरा साफ़ हो जाता है, या पानी मार देने से पूरा साफ़ हो जाता है। तो अभी अब मैनुअली कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसे ब्रश से इसको आसानी से साफ़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स देखिए, जो फिन है उसको साफ़ करने के बाद कितना मिट्टी निकला है, देखिए इतना मिट्टी निकला है सिर्फ ब्रश की मदद से और सिर्फ पानी से। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग जो फिल्टर है इसको आपको साफ़ करके दिखाएंगे। तो चलिए फिल्टर को साफ़ करते हैं। तो फिल्टर हमारा साफ़ हो गया, अभी हम इसको झाड़ भी लिए। अब इसको हम सूखे कपड़े से अच्छी तरह इसका जो पानी है उसको सोख कर लेंगे, दोनों तरफ से इसका जो पानी है उसको हम पोंछ देंगे, तो ये कपड़े में अच्छी तरह सोख हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा फिल्टर भी साफ़ हो गया। अभी एक सूखा कपड़ा लीजिए और थोड़ा सा पानी छिड़कने के बाद, या कॉलिन लेके कॉलिन छिड़कने के बाद, ऊपर का जो बॉडी है, जो प्लास्टिक पार्ट्स है उसको आप थोड़ा साफ़ कर दीजिए। जो धूल है उसको आपको कपड़े से थोड़ा साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसको अभी साफ़ नहीं कीजिएगा तो बाद में यही धूल फिर से फिल्टर में जाएगा और फिल्टर को जैम कर देगा, और आपको वापस से फिल्टर को बहुत जल्दी साफ़ करना पड़ेगा। तो हमें कपड़े से इसको साफ़ कर दिया, जो जाली वगैरह था उसको निकाल दिया, और इसके बाद जो छोटा हम लोगों का फिल्टर है उसको यहाँ पे अटैच कर देना है। जो होल्डिंग वाला पोर्शन है वो बाहर की तरफ रहेगा, और फिल्टर को ऐसे यहाँ पे लगा के ऐसे घुमा के, राउंड घुमा के इसको स्लाइड कर देना है, और नीचे लॉक में इसको ऐसे बैठा देना है। बस ये बैठ गया, और ये बड़ा वाला फिल्टर भी वैसे ही होगा। इसको ऐसे यहाँ पे जो गैप है यहाँ से इसको देना है, ये ऐसे स्लाइड करके चला जाएगा, और उसके बाद इसको यहाँ जो लॉक है यहाँ पे अटैच कर देना है। हो गया हम लोगों का फिल्टर पूरा साफ। अभी हम लोग ऊपर का जो ढक्कन है उसको रिप्लेस कर देंगे। आप उसको अगर स्लाइड करके कर रहे थे तो जिस सपोर्ट के वजह से ये स्लाइड हुआ था उसको हटा लीजिए, बस वो हो जाएगा। तो हम इसका कवर को अभी लगा देते हैं। फ्रेंड्स शायद आपका जो कवर है वो बहुत टाइट है, उसको आप खोल ना पाए। मेरा इंस्टॉलेशन के टाइम में इसका एक क्लिप टूट गया था, तो ये आसानी से निकल आता है, आपका इतना आसानी से ये
निकलेगा नहीं। तो पूरा हम लोगों का एसी क्लीन हो गया। अभी हम लोग आउटडोर यूनिट को क्लीन करेंगे और उसके बाद आपको इसको ऑन करके दिखाएंगे। तो चलिए हम लोग आउटडोर यूनिट की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, जो बाहर वाला आउटडोर यूनिट है इसको साफ करना बहुत ही आसान है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ पानी के प्रेशर से आपको इसे साफ करना है। जो फिन है कंप्रेसर के साइड में, इसको हम पानी के प्रेशर से ही साफ कर देंगे। और जितना प्रेशर से आप इसमें पानी छोड़िएगा तो उतना आसानी से ये क्लीन हो जाता है। इसको आपको ओपन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ता है, जहाँ पर है वहाँ पर ही इसको रहने दीजिए और पानी के प्रेशर से इसको अच्छी तरह क्लीन कर दीजिए। इसका जो फैन है उसको भी अच्छी तरह पानी से आप क्लीन कर दीजिए। बाहर से प्रेशर से पानी मारने से ये क्लीन हो जाता है। पंखा क्लीन करने के बाद ये हवा भी अच्छा छोड़ता है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों का एसी क्लीनिंग खत्म हो चुका है। अब हम इसको ऑन करते हैं। बहुत गर्मी लग रहा है इसको साफ करते करते, क्योंकि इसको साफ करते करते मैं तो पसीना पसीना हो गया हूँ। ये बात आपको जरूर याद रखना है कि जब आप एसी को क्लीन करें इसको स्विच ऑफ रखना है। कभी भी एसी को साफ करते करते इसको ऑन मत रखिए। तो हम इसका पावर को ऑन कर देते हैं। तो खुल गया है, इन्वर्टर एसी है। थोड़ा टाइम तो आपका लेगा ठंडा होने में। पहले कंप्रेसर थोड़ा इधर हीट होगा, उसके बाद चालू होगा। तो फ्रेंड्स, एसी का कंप्रेसर चालू हो गया है। पहले जैसा हवा दे रहा था उससे भी बहुत चिल्ड हवा दे रहा है। मेरे पास अभी मीटर नहीं है तो मैं आपको दिखा देता कि मीटर में कितना उठ रहा है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हमारे चैनल पे बहुत सारे एसी रिगार्डिंग वीडियो है, तो अगर आपको चाहिए तो आप उसको भी जाके देख सकते हो। और आगे भी बहुत सारे एसी के रिगार्डिंग वीडियो आने वाले हैं। तो अगर आपको पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, तो हमारे वीडियो सबसे पहले आपको ही मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो।